आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 11-12 दो कलाकार। ठीक है, ये जो कहानी है बेटा ये बहुत ही भावपूर्ण कहानी है, भाव से पूर्ण, भाव से भरी हुई कहानी है। इस कहानी में ये बताया गया है कि असली कलाकार किसे कहते हैं, उसका क्या अभिनय करने, चित्र बनाने आदि का नाम ही कला है नहीं, अनाथ में जो बेसहारा बच्चे होते हैं उनको सहारा देना, उनके जीवन को बनाना, दूसरों के दुखों में शामिल होकर अपनी कला से उनके जीवन को निखार देना ही असली कला है। ऐसे कलाकारों का स्थान जो है सर्वोपरि है। कक्षा में स्मार्ट बोर्ड पर कक्षा में मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बताऊंगी कि असली कलाकार क्या होते हैं। असली कलाकार यानी कि जो ड्राइंग करके ले आए, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी क्राफ्ट बना ले, बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग सीनरी बना ले, उसको हम कलाकार नहीं कहेंगे बेटा। हमारे अंदर ऐसी कलाकारी होनी चाहिए, ऐसे गुण होने चाहिए अच्छे, जिससे कि हम अपने गुणों से दूसरों को भी खुशी दे सके, दूसरों को भी सहायता प्रदान करें और दूसरों का जीवन भी बहुत ही आसानी मतलब बहुत ही अच्छा बना सके, बहुत उनको भी अपने जीवन को आनंदमय जी सके। हमारे अंदर ऐसे गुण होने चाहिए जिसको यहाँ पे कलाकार की संज्ञा दी गई है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रों ने सोती हुई अरुणा को उठाया। अरे क्या है, आंखें मलते हुए थोड़े गुस्से में अरुणा ने पूछा। क्या पूछा, अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करते हुए बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओ तो इसे दिखाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख ना, पहला इनाम मिला तो नाम बदल देना। अरुणा चित्र देखकर मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पे खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, बैठो मैं अभी आई। क्या ये बच्चे पाल रखे हैं तुमने, फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तुम्हारे विद्यालय का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक दोस्त थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों, चपरासियों आदि के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताई और समाज सेविका समझती थी। चाय पीते पीते चित्रा बोली, पिताजी का पत्र आया है, लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स खत्म हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, अमीर पिता की इकलौती बिटिया जो ठहरी तुम्हारी इच्छा कभी टाली जा सकती है क्या, पर सच कहती हूँ मुझे तो सारी कला बिना मतलब की लगती है। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। अरुणा आवेश में बोली, आवेश मीन्स होता है बेटा गुस्से में बोली, जो तो तुम मुझे आदमी नहीं समझती क्यों। चित्रा बोली, तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया में कितनी ही बड़ी घटना घट जाए पर यदि उसमें तुम्हारे चित्र के लिए कोई विषय न छिपा हो तो तुम्हारे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर पल हर जगह हर चीज में तुम अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती हो। कागज पर इन रजीव चित्रों को बनाने के बदले 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती। अरुणा ने कहा, वह काम तुम्हारे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो तुम सारी दुनिया की भलाई करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। ये कहते हुए चित्रा हंस पड़ी। इस तरह दिन बीत रहे थे, अचानक वर्षा ऋतु ने दस्तक दी। इस वक्त प्रकृति ने अपना ऐसा भयानक रूप दिखाया कि लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी, बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। ये सब दृश्य देखकर अरुणा बहुत दुखी थी। आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल जा रहा था। स्वयंसेवक वे होते हैं बेटा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल, दूसरों की सेवा करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल हमारे हर एक स्टेट में होते हैं। जो हमारे देश के लिए स्वयंसेवकों का जो दल था वो हमारे देश के लिए न्यौछावर तक अपने प्राणों तक कोई न्यौछावर कर देते थे दूसरों की सेवा के लिए। ठीक है, इसको हम स्वयंसेवक दल कहते हैं। मैं भी उसके साथ ही जा रही थी, अरुणा ने चित्रा से कहा। इस तरह शाम को अरुणा चली गई। ठीक है, 15 दिन बाद अरुणा लौटी, नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी। तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बने रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी वैसे ही दृश्य चित्रा ने भी बना रखे थे। शाम को चित्रा घर लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी खुशी हुई। क्यों चित्रा, तुम्हारे जाने का तय हो गया। हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी
और बस एक सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। खुशी के स्वर में से छलक पड़ी। आज वह दिन आ ही गया जब चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सभी से मिल आई। बस अपने गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर क्या बात हो गई। तभी हड़बड़ाती हुई चित्रा आती है, बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। अरुणा हैरानी से बोली, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें रुकना पड़ा? गर्ग स्टोर के पास जो पेड़ था, उस पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारी बैठी रहा करती थी ना, लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे बुरी तरह रो रहे हैं। उस दृश्य में ना जाने क्या था कि मैं अपने को रोक नहीं सकी, एक रफ सा स्केच बना ही डाला। बस इसी में देर हो गई, चित्रा ने कहा। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के दरवाजे पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं। हाँ, बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। ट्रेन चल पड़ी पर अरुणा नहीं आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन से उसकी कला को और ज्यादा निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों ने उस चित्र की तारीफ में तो अखबारों के कॉलम भर गए। पहले साल तो अरुणा से पत्र के द्वारा बातचीत होती थी, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गई। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ वाला चित्र पहला इनाम पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता हैरान रह जाता। 3 साल बाद जब चित्रा अपने भारत देश लौटी तो उसका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का बड़ा आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़भाड़ में अचानक उसकी मुलाकात अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा अरुणा के गले से लिपट गई। तुम्हें कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई हूँ। तुम तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से चिपक कर खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी और लड़की की कोई 8 साल। मेरे बच्चे हैं। और किसके? बच्चों ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने कहा। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया। कैसी मौसी है, प्यार तो कर, अरुणा ने कहा। चित्रा ने दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई है। मौसी आप हमें सारी तस्वीरें दिखाइए, बच्चों ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतना मशहूर कर दिया। मशहूर मतलब फेमस हो जाना, प्रसिद्ध हो जाना। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर लड़की ने पूछा। इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती? लड़का मौका मिलते ही बोला, मौसी हमें ऐसी तस्वीरें नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाइए, राजा रानी की, परियों की। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। जैसे ही बच्चे आंखों से दूर हुए उसने अरुणा से पूछा, सच सच बता रूनी ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताना ना मुझे कि बेवकूफ बनाने वाली है, चित्रा बोली। एक पल रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? उसने क्वेश्चन किया, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या आश्चर्य से चित्रा की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि वह शायद विचारों में खो गई। अरुणा ने उसकी आंखों से लुढ़कते आंसुओं को देखकर पूछा, क्या हुआ चित्रा? और ये आंसू? चित्रा भावुक स्वर में बोली, रूनी तुमने अपनी कला से उन बच्चों का जीवन संवारा है, जो आज मुझे समझ में आया कि सच्ची कलाकार मैं नहीं बिल्कुल बल्कि तुम हो। ठीक है, ये जो कहानी लिखी है किसने लिखी है बेटा? मन्नू भंडारी ने लिखी है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इनका जन्म हुआ था। इस कहानी का जो मूल है वह किसी के जीवन को बनाने वाला ही असली कलाकार होता है। जो किसी के जीवन को सवार दे, किसी के जीवन को निखार दे, वो ही असली कलाकार है। ठीक है, चलिए इस पाठ को समाप्त होता है। चलो बाय बाय।